है कि इमेजिन करना मुश्किल है कोई कंपनी निकल कर आए कि गूगल को कंपटीशन दे पाए। यही रीजन है कि जहां फेसबुक को एवन 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में करीब 3.5 साल का समय लगा और गूगल को 1.5 साल का समय लगा, लेकिन चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे। नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि इमेजिन करना मुश्किल है कोई कंपनी निकल कर आए कि गूगल को कंपटीशन दे पाएगी। लेकिन दोस्तों यही बात है कि आज के टाइम पे एक टूल निकल कर आया जो गूगल को बड़ी आसानी से कंपटीशन दे पा रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज मॉडल के तौर पर बनाया गया है। यह एक चैट बॉट के तरीके से काम करता है और सबसे बड़ी खास बात है कि इसके जवाब इंसानों की भाषा में दिए जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि आप एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। हालांकि हमेशा इसके जवाब 100% एक्यूरेट नहीं होते, पर यह जिस भाषा में बात करता है, जिस तरीके से बात करता है, बड़ी भयानक तरीका है। दुनिया भर में कई लोगों ने देखा है कि इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करने में या वेबसाइट की कोडिंग करने में। यही रीजन है कि जहां फेसबुक को एवन 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में करीब 3.5 साल का समय लगा और गूगल को 1.5 साल का समय लगा, लेकिन चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे। तो दोस्तों इसे जो भी सवाल किया जाए उसका जवाब फट से देने की काबिलियत रखता है, पर ये काम तो गूगल भी करता है। इसे परेशानी वाली बात कौन सी है? सिर्फ तेजी से रिप्लाई करना ही गूगल के लिए परेशानी नहीं है। परेशानी वाली बात तो ये है कि गूगल पर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कई वेबसाइट पर विजिट करना पड़ता है और जब तक हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक हम कई दर्जनों आर्टिकल्स और वेबसाइट पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये चैट बॉट सारी इन्फॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है, फिर चाहे मैथमेटिक्स या फिजिक्स के क्वेश्चन हो या प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोड की करेक्शन करवानी हो। तो आइए दोस्तों आज हम इन दोनों को सिंगल हैंड टेस्ट करते हैं, उनकी सच्चाई जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने गूगल पर सर्च किया आई नीड ए कवर लेटर, तो आप जानते हो वो हमें ऐसी लिंक्स पर डायरेक्ट भेज देगा जहाँ से हम टेम्पलेट उठा सकते हैं और कवर लेटर लिख सकते हैं। और जब हमने सेम कमांड चैट जीपीटी को दिया तो उसका रिस्पांस कुछ ये था, एक विल ड्राफ्टेड पर्सनलाइज्ड कवर लेटर, बस अपनी डिटेल को फिल करो और काम हो गया आपका। मतलब जहाँ पर गूगल ना सभी को वही सेम ऑप्शन देता है, वहीं पर चैट जीपीटी एक्स्ट्रा फाइनल प्रोडक्ट बनाकर देता है जो आपकी जरूरतों से कहीं ज़्यादा मैच करता है। इनफैक्ट आप जीपीटी को जितना डीपली टेस्ट करोगे आपको गूगल में उतनी ही ज़्यादा खामियां नजर आएंगी। जैसे गूगल हमारा कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, समझो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैंने गूगल पर यह सर्च किया कि मेरी वेबसाइट के लिए HTML कोड लिख सकता है क्या। ऐसे में गूगल का रिस्पांस कुछ ये होगा, या तो वो मुझे प्रोफेशनल डेवलपर सजेस्ट करेगा या फिर यूट्यूब से कोडिंग सीखने की सलाह देगा। लेकिन चैट जीपीटी का ऐसा कुछ भी काम नहीं है, वो हमें डायरेक्टली कोड प्रोवाइड कर देगा। मतलब लिटरली मुझे बस इस कोड को रन करना है और मेरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों आपको बता दूं, फाइनली चैट जीपीटी की कुछ वीकनेसेस भी हैं जो कि वही वीकनेसेस गूगल की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भी हैं। तो आइए देखते हैं आई हाईटेक AI गूगल से कहां पर मात खाता है। सबसे पहली बात, चैट जीपीटी का फुल डेटा 2021 तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर उससे आप पठान मूवी का रिव्यू मांगोगे तो जीपीटी का सर्च इंजन ब्लैक हो जाएगा। वहीं पर गूगल का प्रोसेसर हर सेकंड अपडेट हो रहा है, और ये तो कुछ भी नहीं, गूगल की सबसे बड़ी खासियत है उसका रियल टाइम डेटा, जिसकी वजह से हम केवल हॉस्पिटल नियर मी या होटल से नियर मी टाइप करेंगे तुरंत लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। पर जब मैंने जीपीटी को नियरेस्ट मैकडॉनल्ड्स ढूंढने को कहा एक बार फिर से इट वेंट ब्लैंक। अब यहाँ तक जीपीटी को डेटा के रिलेटेड खामियां तो नजर आ गई। अब दोस्तों बात आती है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी। इसको बनाया तो OpenAI ही ने है, पर इसके पीछे हाथ माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसका अपना खुद का सर्च इंजन बिंग के नाम से अवेलेबल है। साल 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने AI में $1 अरब इन्वेस्ट किए थे और तब से दोनों कंपनी एक साथ काम कर रही हैं। तथा गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी एक ब्लॉग पोस्ट पर इशारा किया है, उन्होंने भी बार्ड नाम के AI चैटबॉट पर काम करना शुरू किया और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका AI चैटबॉट चैट जीपीटी से ज़्यादा होशियार होने वाला है, यानी दोनों AI पार्ट्स एक दूसरे के मुकाबले में आने वाले हैं। चैट जीपीटी और AI चैटबॉट के जहां इंसानों के लिए बहुत फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी बेशुमार हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी हम इंसानों को ही होगा, इसमें राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर्स जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स और रिसर्च पेपर्स लिखने वालों को अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम दिनों, महीनों और घंटों में किया जाता था वो अब चंद सेकंडों में हो जाता है।